भगवान शिव को घड़ियाल क्यों बनना पड़ा। एक बार माता पार्वती को एक तालाब के किनारे एक घड़ियाल दिखा जो एक बालक को अपने मुख में दबोचे हुए था। वह बालक माता पार्वती से मदद मांग रहा था, जिसके बदले में घड़ियाल ने माता पार्वती की तपस्या का फल दान में मांगा, जो उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या करके भगवान शिव से प्राप्त किया था। माता पार्वती को पता था यदि उन्होंने ऐसा किया तो भगवान शिव उन्हें पति रूप में नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी माता पार्वती ने उस बालक की जान बचाने के लिए घड़ियाल से कहा, मैं तुम्हें अपने हजारों वर्ष की तपस्या का फल देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही घड़ियाल और बालक दोनों वहाँ से गायब हो गए। उसके बाद वहाँ पर भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन पार्वती को यह कुछ भी समझ में नहीं आया, जिसके बाद भगवान सिंह ने बताया, वह घड़ियाल और जिस बालक को तुमने बचाया वह दोनों मैं ही था। मैं तो बस यह देखना चाहता था कि जो मेरी अर्धांगिनी बनने वाली है उनके हृदय में दूसरों के लिए कितनी करुणा है। और इस तरह माता पार्वती भगवान सिंह की परीक्षा में सफल हुई। वैसे दोस्तों सभी लोग कमेंट में जय मां आदि शक्ति जरूर लिखें।